नसबंदी कराई, केस में हमें प्लाट मिली, उसमें हमने झोपड़ी डाली, उनने खाट पकड़ के द्वारी को निकाल दिया, हमारे को हाथ पकड़ के उसमें आग दे दी। किसने? नेपाल ने, कानी गोई ने, पटवारी ने। अब आपने नसबंदी कब कराई थी? वो 1984 में। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ओ, उसमें झोपड़ी में रहते, दूसरा नेता निकाल लिए को जगह मांग रहा, इन्हें लूट खा लिए तो वो हमें निकाल लिया। अच्छा, पैसे ले लिए इन लोगों ने? हाँ, पैसा ले लिए इन्हें। तो आपने किसी उच्च अधिकारी शिकायत नहीं की ऊपर? वो करी हमने, इन्हें सबसे हमारी शिकायत कोई सुनता नहीं। दुलारों को 1984 में राज्य सरकार द्वारा एक पट्टा जारी किया गया था, ये 28/6/1984। उस पट्टे की इन्होंने नकल प्राप्त की 24/9/2017 को दोबारा से। गांव के कुछ लोग हैं, पूर्व प्रधान दबंग प्रवृत्ति के हैं, ये लोग जबरदस्ती दुलारों की इस भूमि पर कब्जा करना चाह रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों, लेखपाल, कानूनगो और जो अधिकारीगण थे, SDM, तहसीलदार, इनसे मिली भगत के आधार पर उन्होंने दुलारों के उस भूमि को, उस पट्टे पर जिसमें कब्जा था उनका 1984 से लगातार, उस भूमि को JCV के द्वारा उसकी दीवारें गिरा दी गई और जो झोपड़ी थी उस पर पड़ी हुई, उस झोपड़ी में आग लगा दी। प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था सब कुछ? हाँ, ये दुलारों ने मुझे जानकारी दी कि प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था। द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर पर प्रशासनिक द्वारा बुलडोजर चलाया गया और आग लगा दी। सर, क्या मामला पूरा? कोई भी आग प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई गई, ना हम लोग इस तरह कोई कार्रवाई करते हैं। खार की जमीन पर अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा था और सरकारी हैंडपंप को दीवार से घेर रखा था, उसे ही हटवाया गया है जो है। इसके अलावा आग लगाने की कार्रवाई उनके घर द्वारा स्वयं की गई है। तो सर, जैसा कि वो लोग ये कह रहे हैं नसबंदी में उनको ये मिला था, तो वो क्या है सर, नसबंदी मिला है प्रॉपर्टी? इसके संबंध में पूर्व में भी उन्हें कई बार अवसर दिया गया, आज तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके, बल्कि राजस्व और पुलिस की टीम एक बार मौके पर भेजी गई, उसके साथ उन्होंने मारपीट करने का भी प्रयास